जब पब्लिक का काम ही नहीं होगा तो पब्लिक बीजेपी की तरफ कहां से लगेगी ये बताओ। और अब की बार जहां तक है तो हम उड्डा नए वोट देंगे। जो कांग्रेस में सुविधा वो हमारी उसने फेल करवा दी, काट दी सारी। हम तो डॉक्टर डॉक्टर जानते नहीं कौन सा हुआ यहाँ का अरविंद शर्मा। हम तो वोट देंगे तो मोदी के नाम से वोट देंगे। मोदी के ही नाम से ही वोट मिलती है। इससे बढ़िया सरकार आज तक नहीं आई। रोड बनवा दिए, पुल बनवा दिए, गरीब के करा, गरीब का सब कुछ करा उसने। अरे ये तो पागल हो रही है, इनका दिमाग चल रहा है। बीजेपी सरकार में मजा नहीं आया, जितनी परेशानी दी है ना इसने बहुत ज्यादा परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। मैं हूँ आपके साथ अंशुल शर्मा। अभी मैं रोहतक लोकसभा में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ वो इस चुनाव के बारे में कहना चाहेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कुछ लगता है आपके बारे क्या रहेगा भाई साहब? वो तो टाइम बताओ। देखो अभी तो टाइम पड़ा है, हो सकता है पब्लिक, जब पब्लिक का काम ही नहीं होगा तो पब्लिक बीजेपी की तरफ कहाँ से लगेगी ये बताओ। ये हमारी गलियाँ हैं, ये गलियाँ बना रखी हैं। हमने मेयर को भी मतलब बहुत वो कराया, सपोर्ट कराया, और वही क्या नाम है इसको अरविंद, डॉक्टर अरविंद को भी यहाँ के कोई देखता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सारी गलियाँ कच्ची पड़ी हैं, सीवर लीकेज हैं, ये पानी ऊपर से निकल रहा है, मतलब पैर रखने का भी रास्ता नहीं है। मतलब जैसे कि हमारी जीन साइड लोग ये कहते हैं कि उड्डाना तो रोहतक में विकास कराया है, इस बारे में कराया था भाई, उड्डाना कराया था। अच्छा हाँ, और अब की बार जहाँ तक है तो हम उड्डाना वोट देंगे। हाँ ठीक है, तो आप के मानो जिस बारे में? मैं मानता नहीं, मैं बीजेपी सरकार को मानता हूँ। बीजेपी की सरकार को? हाँ जी। अच्छा, उड्डा उड्डा करना, उड्डा की वजह से हमारा कोई वो नहीं। हाँ, गरीबों के लिए बहुत ही कुछ किया है। अच्छा हाँ, के काम कर रहा है मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री बिजली आती है, गरीबों की बहुत सहायता की है। हाँ, बाकी जो ये है ना, मोदी सरकार में जो हमारी सुविधा मिली है, कांग्रेस में जो सुविधा थी, जो कांग्रेस में सुविधा थी वो हमारी उसने फेल करवा दी, काट दी सारी। फेल करवा दी? हाँ। अच्छा। हाँ, जिस तरह राशन कार्ड हुए या वोट कार्ड हुए या किमे भी, उसने हमारे गरीब कटोरे उठवा दिया उसने। उड़ान है? हाँ, बड़का दया कठोर लेकर आ जाओ, स्कूल में जी मिली हो। हाँ, उस जितनी गंदी सरकार है कोई सी, कांग्रेस है जितनी कांग्रेस के भ्रष्टाचार है, अरे देश द्रोही। ये तो भाई साहब तो नुकर है कि मारे कहने से मैं फर्क लग गए है। एक भाई साहब के कहने से कि मैं फर्क लग गए, कुछ ना होता है एक भाई साहब से कहने, दो कह लें जमीन कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सब कांग्रेस ही है, ये कांग्रेस ही नहीं है ये सब। अच्छा, कांग्रेस ने ठीक है पहले टाइम ठीक करा, लेकिन अब कुछ ना करती कांग्रेस, कुछ भी ना करा कांग्रेस। हाँ, खत्म है कांग्रेस तो। हाँ, रोहतक में क्या मानू आप? रोहतक में देखे, हम तो डॉक्टर डॉक्टर जानते नहीं कौन सा हुआ यहाँ का अरविंद शर्मा, ना उसकी हमने कदे शक्ल देखी। अच्छा, हाँ, हम तो वोट देंगे तो मोदी के नाम से वोट देंगे। मोदी के नाम तो? हाँ। अच्छा। और मोदी के नाम से देंगे। मोदी घर घर मोदी। हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, हरियाणा सरकार ये कामकाज किसे लगा कि हमने? हरियाणा ये ठीक है, वो आप अपनी जगह सारे ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ के एक मतलब, एक तो आप अपने घर के काम करें, अपने घर के दुनिया काम करे है, एक पूरी न्यूज देखे नीचे से ले, नीचे तरले आदमी उठावे ऊपर न्यू ले जावे, जिस तरह राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, मारे को सारी सुविधा, मारी सारी सुविधा मिले मारे को घर बैठे काम हो। अरुणा लाइन में लागे जिसके, जिस तरह बच्चा कोई पढ़े लिख गया के 1-1.5 लाख रुपया जाओ नौकरी लागे उठा के सरकार में, और नहीं दिए तो घर बैठ जाओ। अच्छा, ये मतलब खर्ची पर्ची वाला सिस्टम ना, ये कोई खर्चा पर्चा नहीं है। अच्छा, बच्चा पढ़ो लिखो और नौकरी लागो, नौकरी लागो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ जी, भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ये मोदी सरकार जो है ना हमारे लायक में मतलब बहुत ही बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार, बहुत ही बढ़िया सरकार है। जैसे इंग्लिश में कह देना आई लव मोदी जी, तो भाई साहब मोदी के ही नाम से ही वोट मिलती है, मोदी के नाम से वोट, क्योंकि ये गली आज से कुछ साल पहले कच्ची थी, जैसे पक्की होगी, जैसे छोटे मोटे काम बहुत से रहे, एक काम रह रहा सिर्फ ये तालाब का। हमारे यहाँ जो बस्ती वाले हैं ना भाई, इसमें गर्मी आ गई मक्खी मच्छर हो जावे, तो जैसे ये सुनवाई हो जाओ ना, तो मतलब और भी इससे बढ़िया सरकार हमने आज तक देखी नहीं, इससे बढ़िया सरकार हमने देखी। अरे उड्डा सरकार में क्या कुछ काम था? देखो भैया, उड्डा सरकार में बताइए, हम नहीं मानते, हम तो जो आंखा देखते हैं ना सिर्फ वही मानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं भाई, इससे बढ़िया सरकार आज तक नहीं आई, नहीं आई। सरकार ने कटोरे ठवा दिए थे बच्चों के साथ, और क्या बताएंगे आगे?
फिर अलग अलग आदमी अलग अलग राय देंगे। बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है, हम तो यही कहते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कांग्रेस से आदमी हूँ। ठीक, तो कांग्रेस ने काम काज की में करवाए थे? बहुत बढ़िया काम कर रखे थे, कुर्सी कमी छोड़ दी है। काम करवाए थे? काम करे थे उसने तो। ठीक, हाँ कौन कौन से काम करवाए? ये बीजेपी सरकार आ रही है, रोड बनवा दिए, पुल बनवा दिए, गरीबा के करा, गरीबा के करा, गरीबा का सब कुछ करा उसने। ये कहो ना, डीलर बना दिए, हुड्डा सरकार बनेंगे, डीलर बना दिए, जमीन जायदाद थी वहाँ बना दिए। मारा के करा, मजदूर आदमी गरीब आदमी कितने प्लॉट को ले सका था 50 गज का? अभी जो उसने तो सारे आप न्यू देखा, कहाँ मैं वो हूँ, किसान हूँ, जाट हूँ, खर ये कहने नहीं चाहिए अक मैं किसान हूँ, किसानों ने बार दो। ये कटोरा इनकी आदत गिर दी, मैंने कटोरा ठाण की कटोरा ठाई रहेगी। ये तो नुको है, कटोरा भाई इनती ठवा दिया हुआ, हमने तो कटोरा कदम देखा नहीं। ठीक, हमने तो कदम देखा नहीं, इनती ठवा हुआ कटोरा। ठीक है, स्कूल में जाकर पता कर लो, अगर जन ये बालक जन घर तेर बर्तन लेकर जन खाना खाते हो तो प्राइमरी स्कूल में सरकारी स्कूल में बनाई तो मतलब आंगनबाड़ी में राशन दे हैं, लेकिन ये बच्चों के पैसे आवे हैं और उस टाइम पर नहीं भाई ड्रेस दे दिया, भूपे अंदर उड़ान ये काम कर दिया। और दसवीं था किसी को फैल मत ना करो, चाहे स्कूल में और चाहे मत ना हो, बच्चा लायक हो या ना हो और चाहे ना हो, तो उसने तो इसने उड़ान ऐसा काम कर दिया था कि भाई वो नीम खराब कर दो। हाँ, बच्चे की नीम खराब कर दो, नीम खराब कर दो। हाँ, बड़े बड़े आरोप ला रहे हैं, देख लो। अरे ये तो पागल हो रही है, इनका दिमाग चल रहा है। ठीक है, इनका तो दिमाग चल रहा है, पागल हो रहे हैं। ठीक है, इस बात में आप भी मानते हो, किसी से पता कर ले मेरे से अलावा। उड़ान ने कह दिया था आके किसी बच्चे को फैल मतरा कर दियो, और इनको पैसे भी दो, हाँ हाँ पैसे भी दो। इस भाई का ना ज्यादा माइक ना घुमाओ ना, इसका टैग पड़ सका है, दवाई ले रहे आयो तुमने, दिक्कत हो जाएगी खड़ी। हाँ, इसका ब्लड प्रेशर आयो आपके हिसाब से हुए? ठीक है, ऐसा जी मैं बताऊंगा आपने, देखो बीजेपी सरकार बनी थी, बनाई थी, उन्हें कुछ काम करे कुछ नहीं करे, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये हो, परेशानी बीजेपी सरकार में बहुत आई है, बहुत घनी परेशानी आई है, अगर जिसकी को हद नहीं। ठीक है, काम होने को तो मान लो जब सरकार उसकी आएगी तो वो भी करेगा काम, तो सभी सरकार करवाती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार में मज़ा नहीं आया, जितनी परेशानी दी है ना इसने, बहुत ज़्यादा परेशानी। हम तो भाई उड़ाने देंगे वोट। हाँ जी भाई, सब आपके मान लेंगे, जो इन्होंने बोल दिया अच्छा बोल दिया भाई, जो इन्होंने बोला अच्छा ही बोल रहा है, जिन्हें बोले तो बीजेपी बैठे कांग्रेस समझा को सब ने जो बोल दिया जो सा राज्य होगा कहोगे उसे तो वोट दे दोगे। अभी हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं, बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। मैं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, मैं नू पूछू हूँ आपको, मैं ना पूछू, मैं बताता ही नहीं कुछ भी, मैं आपका ताश खेल लूँ अपना मौज में हूँ। आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं बोलते हमने, कुछ कह दो वो कैश कह आपने, अड़के नहीं है कोई नहीं है। अच्छा, ना ये तो बोल दे को ना, मैं जो आप मिनिस्टर, मैं आप जो ना जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, हम किसी एक पार्टी के पीछे नहीं हो सकते, हमें सारा राष्ट्र चाहिएगा। नहीं फिर हम इसके मतलब रोहतक लोकसभा के बारे में तो बातचीत कर सकते हैं। रोहतक मैं यो कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, अभी रोहतक शहर के बारे में अभी पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अरविंद शर्मा से लोग चिड़े हुए हैं। सुनो मेरी बात को, हाँ अगर टक्कर दी यहाँ दीपेंद्र दे सकता है लोकसभा में, और उनका कोई और बंदा आ जाता है समीकरण तब बनेंगे, अभी हम किसी भी तरह से कमेंट्स इस विषय में नहीं कर सकते। तो आपको क्या कुछ लगता है यहाँ विकास हुआ है जैसे कि अभी बीजेपी सरकार में? बेटे मेरे से क्यों पूछ रहा तू ये बात, समझता आदमी? अरे मैं बेटे जर्नलिस्ट हूँ, मैंने क्यों समझाया? तो दोस्तों आपको ये सर्वे कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरे सहयोगी दीपक के साथ अंशुल शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।